क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पेज नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 हम कंप्लीट करेंगे। ये मात्राएं आपको आपकी हिंदी की बुक में भी मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है, ये वहाँ जाकर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आपकी मात्राएं स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हम ए की मात्रा तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम रीड करेंगे आई की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई की मात्रा आपको ऊपर दो मात्राओं लगती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ब में आई की मात्रा ऊपर लगी हुई है, तो हम इसे आई की मात्रा पढ़ते हैं। तो ब में आई की मात्रा बई। तो जब भी कोई आई की मात्रा किसी वर्ड में ऐड होगी तो उसका साउंड उसमें आ जाएगा। जैसे ब में आई की मात्रा बई ट्री, सैनिक पैर पैसा। त में आई की मात्रा तई रा क। तो ध्यान रखिए पेरेंट्स, जब बच्चे इन शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ रहे हैं तो आपको उन्हें सिखाना है कि वो शब्द को जोड़ कर मन में पढ़े और जोर से फुल वर्ड जब उन्हें पूरा पढ़ना आ जाए तो वो उसे प्रोनाउंस करें। जैसे तैराक मैदान, गवैया कैदी भैंस, कैशियर थैला, बैलगाड़ी मैना, कैची कैमरा और ऐनक। इसी तरीके से आपको आई की मात्रा वाले शब्द बुक में और दिए हुए हैं। इसके अलावा आप दूसरे आई की मात्रा वाले शब्द उन्हें रफ कॉपी में राइट करवा कर उनकी प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पेज नंबर 12 पर आपको ओ की मात्रा दी हुई है। अब जैसे हम ओ शब्द राइट करते थे, उसमें जो अ में ओ की मात्रा लग रही, वैसे ओ की मात्रा लगती है। जैसे यहाँ पर ट में ओ की मात्रा टोकरी लगा हुआ लिखा हुआ है, तो ओ की मात्रा यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। ओ की मात्रा वाले शब्दों चित्र के साथ मिलाइए, यानी आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों को क्या करना है, ऊपर चित्र देखकर उस चित्र के नीचे उस शब्द को राइट करना है। जैसे टोकरी के नीचे आपको टोकरी राइट किया हुआ है दिया हुआ है, लोटा के नीचे आपको लोटा राइट दिया हुआ है। तो आप एक एक शब्द लीजिए और उससे रिलेटेड पिक्चर ऊपर ढूंढिए और वहाँ पर आपको शब्द राइट करना है। जैसे खरगोश के नीचे आपको यहाँ से खरगोश राइट करना है। आप एक शॉप की हुई पेंसिल लीजिए, अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, इसे समझिए और राइट करना स्टार्ट कीजिए। गोला आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको गोला की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो आप गोला राइट कीजिए। एज इट इज़ आप नीचे से शब्द रीड कर कर ऊपर उस पिक्चर को ढूंढ कर आपको इसे ढूंढ कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर आपको औ की मात्रा वाले शब्द दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रीड करने के लिए पोर्शन दिया हुआ है। औ की मात्रा ओ की मात्रा जैसे ही लगती है, बस उसमें ऊपर दो मात्राएं लगती हैं। तो औरत प, प में औ की मात्रा, ध, ध में आ की मात्रा, पौधा। आपको ये जो जोड़ जोड़ कर ज्वाइनिंग लेटर्स वाले वर्ड दिए हुए हैं, इन मन में रीड करवाना है। उसके बाद में जब वो पूरा वर्ड हो जाए, उसके बाद में फुल वर्ड प्रोनाउंस करवाना है। इट्स पौधा, कौआ, लौकी, नौकर, कचौड़ी, औजार, मौसम, खिलौना। इसी तरीके से आपको ये शब्द इन्हें कंप्लीट करवाना है, रीड करवाना है और रफ कॉपी में इनकी प्रैक्टिस भी करवाना है। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है अम की मात्रा वाले शब्द। अम यहाँ पे न की मात्रा, न की बिंदी, आप एक बिंदी के रूप में वो शब्द के ऊपर दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ह में न की बिंदी हन स, तो वो शब्द बन गया हंस। अगर आप यहाँ पे ये बिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर ह और स के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे नहीं तो वो बन जाएगा हस। तो अगर एक बिंदी लगाने मात्र से उसमें न का साउंड जुड़ जाता है तो वो हो गया हंस। इसी तरीके से बाकी शब्द बने बंद, संग, रंग, पंखा और घंटी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टू टू टाइम्स इन वर्ड्स को राइट करना है और रीड करना है, साथ ही रफ कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अह की मात्रा। अह यहाँ पे ह की मात्रा, यानी कि ये जो शब्द के पीछे दो बिंदी लगी हुई है, इससे ह की मात्रा हम रीड करेंगे। जैसे अतः, यहाँ पे अगर दो बिंदी का महत्व, अगर एक बिंदी भी होगी तो वो अंतः हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपर राइट करना सीखना है। तो अतः, नमः, पुनः, दुखः, प्रातः, अंतः, गजः, बकः, जनः, फलः, हलः, चलः, पकः, मलः, ठगः और जलः। इसी तरीके से आपको ये सारी मात्राएं कंप्लीट करनी है। इसी के बाद हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आपको अ से लेकर अह तक की मात्राएं सीखनी है, राइट करनी है, लर्न करनी है और बुक में से पढ़ना सीखना है और राइट करना सीखना है।